का जो भरमार देख रहे हैं, घंटियों के बारे में कुछ खास बात है क्या? ये यहाँ पे आदमी मनोकामना मांगता है। हरियाणा से आप घूमने आए हैं नैनीताल? हमने ना मन्नत मांगी थी। अच्छा, मन्नत मांगी थी तो फिर यहाँ घंटी चढ़ाने आए? घंटी चढ़ाने आए हैं। वाह वाह वाह। आपका क्या नाम है पंडित जी? देव ज्योति। तो आपने कैसे समझ लिया कि बिहार से आए हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सबका हमारे चैनल एस नेस्ट पर स्वागत है। हम हैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हैं घोड़ाखाल टेंपल के पास आए हुए हैं। तो अभी पीछे का पहाड़ी का व्यू दिख रहा होगा, और इधर देखिएगा तो इधर दिखाइए टेंपल के पास, एक टेंपल है गोलू देवता का टेंपल है घोड़ाखाल में, बहुत ज़बरदस्त है। आपको पूरा अंदर ले चल के एक्सप्लोर करते हैं, और ये यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिए हैं। चलिए हमारे साथ। टेंपल में जाने से पहले सविता प्रसाद ले ली है, प्रसाद ले लिए जी? ले लिया है प्रसादी। हाँ, चलते हैं मंदिर में। तो घंटी भी है। चलिए चलिए टेंपल में चलिए। ये बहुत खूबसूरत व्यू है पीछे का, और देखिए सविता टेंपल में चल दी, गोलू देवता के टेंपल में घोड़ाखाल में है। घंटी एक बार बजाइए। ये बड़ा वाला जी, ए बड़ा वाला, बड़ा वाला। चलिए मैं भी। चलिए, बारिश का व्यू है, बहुत अच्छा है। ये एकदम कोहर्ट सीढ़ी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। काफी घंटियां हैं, घंटी का यहाँ पर प्रधानता है। तो हम पूरी बात बाद में बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखेंगे इस टेंपल के बारे में पूरा। अभी घंटी बजाते हैं। यहाँ पर आके मन बहुत पवित्र सा हो गया, ऐसा आपको भी लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ जो देवता है उनका नाम है गोलू देवता। चलिए गोलू देवता को दिखाते हैं। पूरा पहाड़ी पर है, और देखिए सविता दौड़ते जा रही है। चलिए, काफ़ी चढ़ाई पर है मंदिर टेंपल, काफ़ी चढ़ाई पर है ये टेंपल। देखिए अब टेंपल के पास लगभग हम आ गए, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा हाँफने भी लगे। काफ़ी ठंडा है, तेज हवा, बारिश भी हो रही है। गोलू देवता का मंदिर भव्य एवं आकर्षक है, इसे घंटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चारों ओर टंगी घंटियां एवं भक्तों के कागजों पर लिखे मन्नतों स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवभूमि में गोलू देवता न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में हर तरफ बधी हजारों घंटियां, करोड़ों घंटियां लोगों में गोलू देवता के आस्था का प्रतीक है। ये कौन सा देवता है पंडित जी? गोलू देवता। इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं बिहार से। ये बटुक भैरव पे शुरू हुए हैं, बटुक भैरव के अवतार। अच्छा, गोलू देवता। गोलू देवता, हाँ। और कुछ इनके बारे में बताइएगा? न्याय के देवता हुए, न्याय के, न्याय के देवता हुए। बहुत अच्छा, पंडित जी बता रहे हैं गोलू देवता न्याय के देवता हैं। प्रसाद कहाँ चला रहे हैं पंडित जी? देखिए काफी अच्छा लग रहा है। और भी कई देवी देवता के यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये टेंपल बहुत गजब का एहसास दिला रहा है, बहुत बढ़िया खूबसूरत। देखिए इधर राम कृष्ण लक्ष्मण सब लोग हैं, हनुमान जी भी हैं, राम दरबार हैं, गणेश जी भी हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। देवी देवता का दर्शन करके धन्य हो गए हैं। हाँ,
बहुत खुशी हुआ यहाँ, शांति लग रहा है, मन शांत हुआ, बहुत शांति और इतना भव्य मंदिर और सारे देवी देवता बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत, इतने सारे देवी देवता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, बहुत आनंद आ रहा है मन, राम दरबार लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है मंदिर का, वो बहुत मन को प्रसन्न करने वाला, आनंदित करने वाला, शांति प्रदान करने वाला। और इतनी सारी घंटियाँ हैं, इसके बारे में भी अब हम जानकारी देंगे। इधर भी राधा कृष्ण का है, हाँ ये राधा कृष्ण का दरबार है। देखिए ये काली जी का दरबार लग रहा है, चलिए काली जी का दर्शन कीजिए। जय माँ, सब पर दया दृष्टि बनाए रखिए, माता का दर्शन किए जी कर लिए। माता का तो सभी भक्तों पर माता का कृपा हमेशा बना रहता है, तो सभी सब्सक्राइबर्स भाई बहनों के लिए भी मांग लिए दुआएं मांग लीजिए। सभी मेरे परिवार हैं, हाँ। और मेरा पूरा परिवार, सभी लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, और माता के आवाज से वो लोग अच्छे से रहें, जब मन हो तो माता और अपने जीवन में तरक्की करें। बस तो जब भी नैनीताल आइए तो गोलू देवता के हैं ये, यहाँ पर सारे भगवान का दर्शन हो जाएगा, जरूर आके इस मंदिर में एक बार, राम सीता का दरबार है, राधा कृष्ण का जो है सो दरबार है, माँ काली का दरबार है, सारे भगवान मिल जाएंगे, सारे देवी देवता का, गणेश भगवान भी देखा मैंने, सारे भगवान देवी देवता। और यहाँ का जो माहौल है, घंटियों का जो यहाँ पर देख रहे हैं हम, थोड़ा सा के बारे में पता करते हैं, करोड़ों में घंटी लगा, हाँ करोड़ों में घंटी लगी हुई है यहाँ पर, छोटी घंटी से बड़ी घंटी से लेकर के। तो हम चलिए और कुछ बताते हैं, काल भैरव जी का दर्शन कीजिए यहाँ, काल भैरव जी सर कि यहाँ पर घंटियों का जो इतना, थोड़ा सा इधर आई, यहाँ पर घंटियों का जो भरमार देख रहे हैं, घंटियों के बारे में कुछ खास बात है क्या? ये यहाँ पर आदमी मनोकामना मांगता है, वो आते हैं तो घंटी यहाँ पर बांध करके मनोकामना मांगते हैं। नहीं नहीं, पहले मनोकामना मांगता है, जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब फिर घंटी बांधने के लिए आते हैं। बांधने के लिए आते हैं जी। देखिए यहाँ पर घंटियों का जो इस तरह का देख रहे हैं कि श्रृंखलाएं हैं, करोड़ों के बारे में बता रही थी सविता, काफी घंटियां हैं, तो लोगों की मन्नतें पूरी हुई है इसलिए यहाँ पर इतनी घंटियां हैं, लोगों की मन्नतें पूरी हुई है, तो ये एकदम मन्नत मंदिर है। और यहाँ पर सारे भगवान का जो है दरबार है, मतलब गोलू देवता का ही मीन है, गोलू देवता का मुख है, काल भैरव दो मुख है, गोलू देवता और काल भैरव दो मुख्य है। पुजारी है आप यहाँ के? हाँ ये इसका काल भैरव, काल भैरव जी के पुजारी है। आपका गुड नेम सर? मेरा नाम अशोक, अशोक जी धन्यवाद सर, आप जानकारी दिए घंटियों के बारे में और इस मंदिर के बारे में। ठीक है जी। और कितने वर्षों से हो गया ये मंदिर? ये 200 साल पुराना है, 200 साल पुराना मंदिर, देखिए 200 साल पुराना मंदिर है, सुन के बहुत, और लगता है कि सविता भी कुछ मन्नत मांग के जा रही है और इसकी मन्नत पूरी होगी तो फिर यहाँ घंटी बांधने के लिए आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मन में भी कोई मन्नत है कि आइए और मन्नत मांग के जाइए और पूरा होगा, पूरा हो जाए तो आके आइए, पूरा हो ही जाएगा। देखिए इतनी घंटियां बंधी हुई है, उन लोगों का मन्नत ही पूरा हुआ है ना, और जब पूरा हो जाए तो एक घंटी आप यहाँ बांध के भगवान को समर्पित करके चलिए आगे। चलिए मेरे दोस्त हैं वो बैठे वहाँ पे। अच्छा आपका गुड नेम क्या हुआ सर? जितेंद्र गोदारा। आप कहाँ से आए हैं? बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ हरियाणा से, तो आप घूमने आए हैं नैनीताल? हमने ना मन्नत मांगी थी। अच्छा मन्नत मांगी थी तो फिर यहाँ घंटी चढ़ाने आए हैं। वाह वाह वाह, इसलिए आपने इतनी सारी घंटियाँ के लोग मन्नतें पूरी हुई है। हाँ जी हाँ जी। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका गुड नेम? जितेंद्र गोदारा। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र जी। ओके जी। आपका क्या नाम है पंडित जी? देव जोशी। हैं? देव जोशी। देव जोशी, तो आपने कैसे समझ लिया कि हम बिहार से आए हैं? आपने तो बिल्कुल सही गेस किया, हम बिहार से आए हैं। आपने कैसे गेस किया? आपने अभी उनको बताया था अंदर। हैं? आपने अभी अंदर बताया था ना। अच्छा, हम अभी पंडित से बोल रहे थे कि हम बिहार से आए, कुछ मंदिर के बारे में बताइए। हाँ। आप ही कुछ इस मंदिर के बारे में बताइए। ये न्याय की देवता हुए जी। ऊपर ऊपर देखिए। हाँ
ये इनका जन्म न्याय करने के लिए हुआ है। अच्छा, ये बटुक भैरव के अवतार हैं। अच्छा, बहुत कुछ जानकारी है। यहाँ पर लोग मन्नत मांगने के लिए भी आते हैं। हाँ, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो घंटिया चढ़ा के जाते हैं। घंटिया चढ़ा के जाते हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि अभी हम पहले बता भी रहे थे कि ये नैनीताल में है और नैनीताल से यह 17-18 किलोमीटर की दूरी पर होगा। भुआली से ये मुश्किल से 5-6 किलोमीटर पर है और ये मन्नत के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। गोलू देवता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और हमने अभी पूरा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की और घंटियों के बारे में भी आपको मैंने बताया कि यहाँ लोग मन्नतें पूरी होती है तो घंटियाँ बांधने के लिए आते हैं, इसीलिए इतनी घंटियों की कतार, आप छोटी से बड़ी घंटियों को आप देख रहे हैं। हाँ, तो सभ्यता गिनते गिनते थक गई कहती है तो करोड़ों में है, तो करोड़ों लोगों की मन्नतें पूरी हुई है इसलिए यहाँ पर इतनी घंटियाँ हैं। तो पूरे पहाड़ी पर घंटियों का जो है सो अंबार लगा हुआ है और इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के मन्नतों का अंबार लगा हुआ है, लोगों की मन्नतें पूरी हुई। अभी अभी अब एक बंधु से अभी बात कर रहे थे जो उनकी मन्नतें पूरी हुई इसलिए घंटी बांधने के लिए आए हैं। तो ये मन्नतों का मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर, न्याय देवता का मंदिर, न्याय करते हैं। तो आप को आपके मन में भी अगर कोई मन्नत है तो आइए यहाँ पर, मन्नत मांग के जाइए, पूरा हो तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा आप घंटी बांधने के लिए। यही यहाँ का जो है सो विशेष फोकस है कि घंटियों के लिए किस तरह से प्रसिद्ध है। तो इस ब्लॉग में मैंने ये दिखाने की कोशिश किया घोराखाल टेम्पल को। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। कैंची धाम मंदिर भी जाना है और भी बहुत सारे ब्लॉग नैनीताल में हम दिखाएंगे। तो फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त बर्फबारी।